न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां नई गढ़ी पुलिस ने विगत दिनों लावारिस हालत में मिले युवती के शव के संबंध में घटना का खुलासा करते हुए 20 वर्षीय युवती की हत्या कर उसके शव को सुनसान जगह पर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की बात करें तो जगदम्बा तालाब ग्राम छिवरिया के पास दिनांक 22 मई को गुमशुदा युवती के शव की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा मौके से तस्दीक के दौरान पाया गया कि ये शव नई गढ़ी थाना क्षेत्र की गुमशुदा युवती का है, जिसके संबंध में एक दिन पहले से ही थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मौके पर युवती के परिजनों की सूचना पर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम CHC नई गढ़ी से कराया गया। मृतका की मृत्यु गला घोट कर हत्या करने से पाए जाने पर इस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान मृतका युवती के शव के पास से मिले प्रेम पत्र और उसके मोबाइल नंबर की CDR के आधार पर संदेही युवक अमित सिंह, पिता नरेंद्र बहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी फूलकरण सिंह जो कि घटना दिमाग से ही फरार चल रहा था, उसे गंगेव से पकड़ कर पूछताछ की गई। युवक ने हत्या करने की बात भी स्वीकार करते हुए बताया कि मृतका और युवक का प्रेम प्रसंग काफी अरसे से चल रहा था, जहाँ युवती शादी करने का दबाव बना रही थी। युवती को रास्ते से हटाने की नीयत से उसने युवती को बहला फुसला कर बुलाया और उसकी हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक देना बताया। आरोपी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में मऊगंज SDOP नवीन दुबे ने क्या जानकारी दी है। दिनांक 20 तारीख को प्रमिला जायसवाल ने थाना नई गढ़ी पे जाके सूचना दी कि उनकी बच्ची काजल जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी खटकरी, पिता अनोखे लाल जायसवाल अपने घर से कुछ देर पहले चली गई है कहीं। इसके सूचना मिलने के बाद में थाना नई गढ़ी के द्वारा गुम निशान कायम किया गया और अग्रिम विवेचना की गई। दिनांक 21 तारीख को लगभग शाम के समय यह पता चला कि एक युवती का शव वहीं पास ही छुरिया गांव के तालाब के पास में पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर तस्दीक की गई और पता चला कि वहाँ पर वह बच्ची काजल जायसवाल का ही शव है। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को सुबह FSL टीम रीवा से आई और उनके द्वारा पहले उनकी जांच पड़ताल की गई, पंचनामा कार्रवाई की गई और इसके बाद में डॉक्टर टीम के द्वारा उनका PM कार्रवाई कराते हुए FIR पंजीबद्ध की गई और अग्रिम जांच लगातार की जा रही थी। जब बच्ची अपने घर से गई थी तो अपने साथ में एक बैग जिसमें काफ़ी सारे कपड़े, एक पॉलीथीन में अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई सारा सामान रख लिया था। इसके अलावा लगभग 40,000 रुपये रखे हुए थे। काजल जायसवाल के जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पॉलीथीन में सारे डॉक्यूमेंट मिले, लेकिन उसका बैग वहाँ पे नहीं मिला था। वह बैग दूसरे दिन सुबह घर के पीछे लगभग 500 मीटर दूर मिला। विवेचना के दौरान सबसे पहले जो लव लेटर मिला था उस पर कार्रवाई की गई, उसमें जो संदिग्ध जिसके अप्रत्यक्ष नाम नहीं लिखा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से दो लड़कियों का नाम उल्लेखित था, उस आधार पर उस आरोपी को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने यह स्वीकारा कि लड़की से यद्यपि बात होती थी किंतु अन्य कोई संबंध नहीं थे और घटनाक्रम में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद में लगातार साइबर टीम की मदद ली गई और अपने मुखबिरों के द्वारा कई सारी जाँच पड़ताल की गई, घर वालों के भी कथन बयान किए गए और फाइनली अमित सिंह जो संदेही था उस पर आके हमारी जांच रुकी और अमित सिंह को जब अभी रक्षा में लिया गया उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने ही काजल जायसवाल को की हत्या की है और जो उसके 40,000 रुपए लिए थे वो लगभग 40,000 रुपए थे। उसके बारे में भी जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 19,000 रुपए उसने अपनी सास के अकाउंट में जमा करने के लिए कियोस्क सेंटर पे दिए थे जो कि हमें बरामद हो गए। इसके अलावा लगभग 8,000 रुपए एक वकील और एक छोटू करके लड़का उसको दिया गया। इसके अलावा अन्य पैसों से उसने पंखा, पॉलीथीन, कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया है। जो मोबाइल बच्ची चलाती थी जिसमें सिम नहीं थी वो